हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है हमारे बैठ कर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक केस के साथ हैं। केस क्या है जानेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बताओ पहले। परम सिंह नाम है आपका। अच्छा, ये भैंस तुम खरीद लाए हो? मोल खरीद के लाए हैं। खरीद लाए हो, कब ले आए? कौन सा कब आई है? तो अब क्या दिक्कत हो रही है बताओ जरा, हमारे कैमरे में बताओ, लोगों को पता चले। फूल दिखा रही है। कितना फूल दिखा रही है? मतलब ब्याने से पहले दिखा रही थी जब तुम्हारे आए? बाद में दिखाया। पहले नहीं दिखा रही थी? तो दोस्तों, ब्याने से पहले फूल नहीं दिखा रही थी। फूल का मतलब है पीछा दिखाना या प्रोलैप्स करना। तो दोस्तों, अब ये भैंस ले आए हैं, ये अभी कौन से दिन पहले ब्याई है और अभी ये ब्याने के बाद में प्रोलैप्स कर रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रोलैप्स का जो है, जो पीछा दिखाना होता है, उसका जो ब्याने से पहले परमानेंट इलाज नहीं है। ये जो बीमारी है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सभी पशुओं में होती है। ये जो बीमारी होती है, इसमें जो है पशु के अंदर कैल्शियम की कमी, मिनरल्स की कमी होती है। इसकी वजह से पशु की जो है पेल्विक कैविटी होती है, जहाँ से बच्चा निकलता है, वो थोड़ा फैल जाती है और ढीली हो जाती है, शिथिल पड़ जाती है। तो वहाँ से जो है पशु यूट्रस वाला हिस्सा जो है बाहर की तरफ निकाल देता है। जब पशु गोबर करता है, क्योंकि पशु जब ताज़ा ब्याता है तो यूट्रस में स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है। उस सूजन के रहते जब पशु गोबर करेगा तो जो है निभाई बनती है, दर्द बनता है। और वहाँ से जब गोबर करता है पशु, तो निभाई मारता है। जब निभाई मारेगा जो, फिर उसके बाद में जो पशु प्रोलैप्स करता है, क्योंकि जो पेल्विक कैविटी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ पेल्विक कैविटी क्या होती है। ये पेल्विक कैविटी होती है। यहाँ से जो है ये ढीला होने की वजह से ये शरीर ज़्यादा खुल जाता है, और जैसे ही पशु गोबर करता है या थोड़ा बहुत जोर लगाता है जाती, तो वहाँ से शरीर बाहर आ जाता है। पशु के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस, विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी सबकी कमी रहती है। हीपर्स जो कटियाँ होती हैं, जो पहली बार ब्याती हैं, उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। बाकी जो एक दो बार पशु ब्या लेता है, उनमें ये समस्या कम होती जाती है, बाकी होती है। लेकिन जो पहली बार कटियाँ या पड़िया जो ब्याती हैं, उनमें प्रोलैप्स की समस्या या पीछा दिखाने की समस्या ज़्यादा होती है। तो आज हम इसका, अब इन्होंने बताया कि ये जो है ब्याने के बाद से फूल दिखा रही है। अच्छा, कितना फूल दिखाई? चढ़ाना पड़ता है? अपने आप ही चढ़ जाता है? हम तक चढ़ता इतना बता रहे, इतना जो है प्रोलैप्स हो जाता है, इसके बाद ये अपने हाथ से चढ़ा देते हो तुम ही? ये चढ़ाना है, ये चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये अपने आप चढ़ाते हैं, पर इससे दिक्कत है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा तो सेप्टिक बनने का चांस है। तो इसका ब्याने से पहले कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आप दवाई लगा दोगे, कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ब्याने के बाद ही ये बिल्कुल ठीक होता है। तो दोस्तों, अभी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। आपको क्या ट्रीटमेंट देंगे, आपको अभी दिखाएंगे। ब्याने के बाद प्रोलैप्स का पक्का इलाज है। अभी हम इसमें दवाई लगाएंगे तो पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें प्रोलैप्स की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अगर यही ब्याने से पहले प्रोलैप्स करती तो दवाई उतना असरदार नहीं होती है जितना ब्याने के बाद, क्योंकि हम कैल्शियम की इसमें बोतल लगाएंगे, उसके साथ हम फास्फोरस डालेंगे और एक दर्द निवारक इंजेक्शन आता है, एनाल्जेसिक मैग्लोडाइन, और एक मैगलॉक के नाम से इंजेक्शन आता है। ये जो है इंजेक्शन हम इसमें लगाएंगे, 20 ml देंगे, ताकि इसमें जो दर्द और निभाई जो है या थोड़ी सूजन कम हो, तो ये दर्द नहीं मानेगी तो प्रोलैप्स नहीं करेगी। तो दोस्तों, सबसे मेन इसमें जो रोल रहता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का रहता है, क्योंकि फास्फोरस की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है पेल्विक कैविटी शिथिल हो जाती है, ढीली हो जाती है। तो वहाँ से जो है पशु पीछा और जो है प्रोलैप्स करता है। तो उसकी मेन वजह यही है कि कैल्शियम की कमी और फास्फोरस कमी, और पशु के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी कमी की वजह से ये प्रोलैप्स करता है। तो दोस्तों, अभी इसका ट्रीटमेंट करते हैं, आपको दिखाते हैं, बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारी वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें ड्रिप तैयार करते हैं, फिर अभी थोड़ा सा ठंडी का मौसम है, तो थोड़ा सा हम कैल्शियम को थोड़ा सा गुनगुने पानी में रखेंगे, थोड़ा निभाए, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, इसमें जो है जितना भी हम फ्लूड चढ़ाते हैं वो जो है ठंडा रहता है, चिल्ड रहता है। तो कोशिश करेंगे हल्का उसका जो है टेम्परेचर मेंटेन कर लें, और उससे जो है हम इसमें लगाएंगे, और जो भी दवाई हम लगाएंगे हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हम दवाई इसमें दे रहे हैं। इसके बाद ये प्रोलैप्स आज के बाद नहीं करेगी। कैल्बोराल है 450 ml, प्लेन कैल्बोराल है, प्लेन कैल्शियम है, इसमें ग्लूकोज नहीं है, जो माइफेक्स होता है उसमें ग्लूकोज भी रहता है। इसे हम, ये पानी हमने गुनगुना कर लिया है, इसमें हम इसे रखेंगे 5-1 मिनट रखेंगे तो हल्का सा इसका टेम्परेचर मेंट, अभी ये बहुत ठंडी है, इसे थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा टेम्परेचर, इसके बाद हम इसे लगाएंगे। इसमें हमने ये रख दिया। तो दोस्तों, बोतल हमारी गुनगुनी हो गई है, इतनी हो गई है कि ठंडी नहीं है। बाकी अब हम इसे जो है ड्रिप सेट तैयार कर लिया है, अब यहाँ से हम इसे आई भी जो है ऐसे कान तो कोई पकड़ लिया।
तो दोस्तों ये ड्रिप चालू हो गई है और ये कैल्शियम की ड्रिप है, थोड़ा धीमा लगाएंगे इसे, ये थोड़ी सी धीमी चलती है कैलोराल, इसे बहुत तेज़ नहीं लगाएंगे और इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। अगर ये बिल्कुल सही होगी, इसका ड्रिप का एक तरीका होता लगाने का, अगर इनसे ये बिल्कुल सही चल रही तो हम एक बार इसे नीचे करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से चेक करेंगे तो ये देखो यहाँ से ब्लड आ जाएगा, देखो ये ब्लड आ गया, इससे ये पता चल गया कि हमारी जो ड्रिप है बिल्कुल सही चल रही है, इसके बाद जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें हम बाकी ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हमने कैल्शियम के साथ में फॉस्फोरस डाला है 15 ml टोनोफोस, और जो है इसके बाद हम जो है इसे एक दर्द निवारक ज़रूर देंगे, पेन किलर में या तो मेलोक्सिकैम्प्लेन या मैग्लोडाइन देंगे, वैसे मैग्लोडाइन देंगे, मैग्लोडाइन का अच्छा रिजल्ट है, इसे 20 ml मैग्लोडाइन देंगे, इसके बाद में ये प्रोलैप्स नहीं करेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अगर वेटनरी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस तरह से ये प्रोलैप्स वाले पशु का ये इलाज दे सकते हैं, इसमें पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी ड्रिप चालू हो गई है, यहाँ से हम कैल्शियम कैलोराल देंगे और इसके बाद 450 ml हम कैलोराल देंगे और हमने इसमें 15 ml टोनोफोस का इस्तेमाल किया है, टोनोफोस डाल दिया है IV, 15 ml की डोज है, 15 ml ही देंगे, इससे आगे नहीं देंगे, और जो है हम इसमें जो है 10 ml CPM और एक मैग्लोडाइन का इंजेक्शन 20 ml हम देंगे। इसके बाद में हम अगर कोई दवाई की ज़रूरत रहेगी खिलाने की तो इन्हें लिख के दे देंगे, बाकी जो है इसमें कोई दवाई की जरूरत है नहीं, आज के बाद ये प्रोलैप्स नहीं करेगी, ठीक है जी। ये भैंस जो है हम दवाई लगा दें, इसके बाद में प्रोलैप्स नहीं करेगी। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।